शिव महापुराण की कथा कहती है जो शिव मंदिर में दीप लगाता है, देवी मंदिर में दीप लगाता है या माता शिव और शक्ति के नाम का दीप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाता है, उसकी जिंदगी में उसके बच्चों को कभी उदर से जुड़ा हुआ रोग नहीं हो सकता। शिव और शक्ति, शंकर और पार्वती, एक प्रयास करना, जिनके पेट में तकलीफ रहती हो, उदर में तकलीफ रहती हो, पेट दुखता ही रहता हो, भोजन पचता नहीं हो या बड़ी बड़ी बीमारी पेट से जुड़ी हो जाती है, यहां तक कहूंगा नारी को जिस स्थान पर बच्चा रहता है उस जगह पर गांठ पड़ गई हो, गांठ गल नहीं रही हो बच्चादानी की, या डॉक्टर बड़े ऑपरेशन का बोल रहा हो, तो एक निवेदन जरूर करूंगा कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्री का पत्ता रखकर उस पत्ते के सामने शिव और शक्ति का नाम लेकर भगवान शंकर और पार्वती के नाम से दो बाती का दीप, कितनी बाती, दो बाती का दीप शिवजी और माता पार्वती के नाम से लगा दे, विनती करें माँ से, माँ हे शिव हमारा उदर से जुड़ा हुआ परेशानी है, भोजन पचता नहीं, बहुत एसिडिटी होती या तकलीफ होती, बाबा को विनती कर कर जब तक दीप जल रहा है उसी बीच में उस बेलपत्री को उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही चबा चबा कर खा लीजिए, चार या पांच बार कर देखिए, अगली बार से पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, आराम लगना प्रारंभ। शिव का स्मरण करना, शंकर की भक्ति, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शंकर और पार्वती अलग नहीं है, जो शिव का भजन करते हैं अगर वो सोचे हम पार्वती का भजन नहीं करते, हमें पार्वती से मतलब नहीं, हमें देवी जी से मतलब नहीं, तो भी शंकर नहीं मिल सकते। जो पार्वती का भजन करते हैं, देवी का भजन करते हैं, वो कहते हैं हमें शंकर से मतलब नहीं, तो भी पार्वती नहीं मिल सकती, मांबे नहीं मिल सकती। जो राम का भजन करते हैं और कहते हैं हम शंकर का भजन नहीं कर सकते, हमें शिव से मतलब नहीं, तो राम नहीं मिल सकता। कृष्ण का भजन करते हैं हमें शंकर से मतलब नहीं, तो कृष्ण नहीं मिल सकता। मेरे भगवान की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता भी जिसका भजन करते हैं वो देव अधिदेव महादेव है, वो साधारण नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे पिंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करता है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। पार्वती जी ने